कि भाई ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये अपमान सम्मान को समझते नहीं है। अगर ये पढ़े लिखे होते और अपमान सम्मान को समझते तो इनको पता लगता कि अपमान सम्मान को कीमत क्या होती है। जिसपे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि स्वाभिमान सम्मान के साथ छीना। अगर स्वाभिमान सम्मान नहीं है तो वो जीवन बेकार है, अगर इज्जत नहीं है तो सब चीज बेकार है। और इसमें बाबा साहब ने बहुत अच्छा कहा कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। अगर आपका कोई अपमान कर दे तो भले ही आप कुछ भी कर लो लेकिन बार बार आपके मन में टीस उठती रहेगी, भाई मेरा अपमान हुआ था, मेरा अपमान हुआ। होती है नहीं होती बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? होती है ना। तो हमारे महापुरुष सब कुछ कह गए हमें, वो हमें ये भी कह के गए कि भाई मैं आपको वोट का अधिकार दे रहा हूं, इस वोट के अधिकार से जो अधिकार आपको सदियों तक नहीं दिए, हजारों साल तक लोगों ने दिए, उन अधिकारों को वोट की ताकत से अपनी हजारों साल की गुलामी बेबसी लाचारी को एक दिन में राजकाज लाके आप लोग को ठीक कर ले। लेकिन हम लोग जो हैं हमें गुलामी की आदत पड़ी हुई है, और गुलामी की आदत का एक बहुत बड़ा नमूना आपको बताता हूं कि गुलामी की आदत का उदाहरण क्या होता है कि बचपन में हाथी के पैर में महावत एक लोहे की संखल बांधता, बहुत मोटी, चेक करके देखना कभी, ठीक है। महावत कहते हैं जो हाथी को चलाता है, हाथी को हाथ के ऊपर बैठ के सवारी करता है, उसको महावत कहते हैं। हाँ मालिक समझो उसको। तो वो इतनी मोटी संखल बांधता, बहुत बड़े से मजबूत खंभे बांध देता, तो वो हाथी का छोटा सा बच्चा पूरे जोर लगाता है, तोड़ नहीं पाता। जब तोड़ नहीं पाता तो उसके दिमाग में बात बैठ जाती है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूं। तो जब हाथी बड़ा हो जाता है, विशाल का है, जो बहुत से बड़ी संखल तोड़ दे तो उसके पैर में मोटी सी बेट डालता है बस। तो उसके दिमाग में बात घर कर जाती है कि मेरा पैर बंधा हुआ, मैं इस पेड़ को तोड़। इसको कहते हैं गुलामी। गुलामी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, गुलामी मानसिक भी होती है। हम इस देश में मानसिक गुलाम है, हम पे वोट होते भी देश में राज हमारा नहीं आ रहा है। हमारे महापुरुष समझा गए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, लेकिन इस देश में तो वोट हमारा है, राज दुश्मन का है। और राज वोट होते भी इस देश में हमें गरीबी बेबसी लाचारी जिंदगी जीनी पड़ रही है। आज भी अगर हम अखबार पढ़ते हैं सुबह खबर आती है, मटकी छूने पर हत्या, मुछे रखने पर हत्या, घोड़ी पे बैठने पर उतार दिया, मारपीट की, किसी बहन बेटी को मारकर लटका दिया। अभी आपने देखा तीन दिन पहले अखबार में खबर थी कानपुर में कि दो बच्चियों को ताकतवर लोगों ने मार दिया, उनके साथ अपमान किया, उनकी वीडियो बना ली तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, बेटी को लड़की मिली। और ये वो देश है जहां सुबह शाम टीवी पर हम सुनते हैं कि बहन बेटियां यहां देवी होती है, महिला देवी होती है। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आप गुलामी की बेड़िया काटने के लिए अपने मन से प्रयास नहीं करोगे तब तक आपकी गुलामी दूर नहीं हो सकती है। और गुलामी की बेड़िया काटने के लिए मन पक्का करना पड़ता है, वरना बार बार ऐसा महसूस होता है कि भाई नहीं 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 नहीं। लेकिन अपने मन में संकल्प देखो। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो हमें देश का शासक बनना है, हम इस देश के शासक बनेंगे, हम इस देश के शासक हैं, तो लोगों ने मजाक उड़ाई बाबा साहब की। अरे बाबा साहब कैसी बात कर रहे हैं, दीवारों पर लिख दो, घरों पर लिख दो, हमारे कहां दीवार, हमारे कहां घर। तो बाबा साहब ने कहा संविधान जो दिया है इसके साथ नारा यह है कि शिक्षित बनो, प्रगति को संघर्ष करो, पढ़ो लिखो, रोजगार करो, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बनो, वकील जज बनो, पटवारी सेक्रेटरी बनो, और अपने काम को मत भूलो, अपने समाज का हाथ पकड़ कर रखना, उनका हाथ मत छोड़ना। जो पढ़ लिख के तैयार हो गए उन्होंने हाथ छोड़ दिया तो गरीब गरीब पड़ा गया, जो गरीब गांव में ताकत रहो जाकर शहर में बस गया, और ये अपनी जिंदगी से इस गरीबी बेबसी को नहीं निकाल पाए। आप महसूस करके देखो, हम एक रुपए का सामान खरीदते हैं 28 पैसे टैक्स जाता है। अगर एक परिवार 5,000 रूपये का सामान खरीदता महीने में तो 1,400 रूपये टैक्स जाता है। अब 1,400 रूपये टैक्स जो सरकार हमसे एक महीने में लेती है वो हमें 400 रूपये का 200, 250, 300 रूपये का राशन देकर एहसास कराती है कि मैं आपकी की बहने बैठ। तो आप 1,400 रूपये का तो टैक्स देते हो। फिर और सुनो, पहले सिलेंडर आता 350 रूपये का, अब आता है 1,150 रूपये का, ठीक है, 800 रूपये जेब में से वहां कटते हैं। पहले बिल आता था 120-130 रूपये का, अब आता है बिजली का बिल 500-600 रूपये का। पहले आता था पेट्रोल 45-50 रूपये का, और पेट्रोल का मतलब ये नहीं कि जिन पे गाड़ी में कोई खर्चा पड़ता है, पहले बस का किराया होगा यहां से नजीबाबाद तक का 8 रूपये बन जाता है। ये किसान बैठे किसानों के खिलाफ बिना इनसे पूछे कानून बन जाता है, और 700 किसान शहीद देकर उस कानून को वापस कराते हैं। 700 किसान शहीद होते हैं, 13 महीने आंदोलन चलता है, और अभी भी जो मांग उनसे कही थी वो पूरी नहीं की।
अब वो फिर आ गए, फिर गोली चला रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, फिर पीट रहे हैं उनको। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, जिनका राजकाज नहीं होता उन्हीं की बहन बेटियों का अत्याचार होता है, उनको एक गरीबी बेबसी में जिंदगी बितानी पड़ती है, उनके ही मकान टूटे हुए होते हैं, उनको ही खाने के अच्छा भोजन पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं होती। इसलिए इस देश में उसी की बात आगे बढ़ेगी जो अपने लोगों को तैयार करके और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करा के राजनीतिक ताकत बनाए, और वो राजनीतिक ताकत बनाने के लिए आपको और हमें एकजुट होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता इस समय देश में नहीं। आज तो हालात ऐसे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैंने तो हर किसी की आवाज उठाई, दो अप्रैल का आंदोलन लड़ा, सबीरपुर का आंदोलन लड़ा, 16 महीने जेल में रहा, दिल्ली में गुरुघर तोड़ दिया, शाहरुद्दीन जेल में रहा, एनआरसी पे जब जिनको आपने वोट दी, मुस्लिम भाई भी यहां बैठे, कपिल भाई बैठे, आप मेरी बात को गलत साबित कर देना, जब एनआरसी आया और पूरे देश में मुस्लिम भाई को मजबूरी में डर के और बहन बेटियों को सड़कों पर आना पड़ा, तो अकेला चंद्रशेखर आजाद खड़ा था आपकी हिफाजत करने के लिए, आपकी आवाज बनने के लिए, कोई नहीं खड़ा था। आप क्या करवा देंगे? न आपसे कोई वोट का ताल्लुक था, न किसी बात का, बस ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे संत गुरु महापुरुषों ने हमें सिखाया कि जुल्म का करने वाले से जुल्म सहने वाला बराबर का दोषी होता है, वो ज्यादा दोषी होता है जुल्म सह रहा है। हम इस देश में किसी कमजोर को जुल्म नहीं सहने देंगे, हम अपने भाई का हाथ पकड़ के सुरक्षा करेंगे, ये वादा हमने उनसे किया। जब मौलाना करीम सिद्दीकी को जेल में बंद कर दिया, जब मौलाना साद साहब को, जब निजामुद्दीन मरकज को, तबलीगी जमात को, जब कासिम ने अखलाक की हत्या कर दी, राजस्थान में नासिर जुनैद की हत्या कर दी, जब हिजाब का मामला आया, अगर कोई साथ खड़ा था तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े। जब ग्वालियर में गुजर समाज के लोगों पर जुल्म हुआ, तब चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े थे। जब किसानों का मामला था, 13 महीने का आंदोलन, जब पहलवान बेटियों का अपमान किया गया, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े थे। जब नीट का मामला आया, रोस्टर का मामला आया, 13 रोस्टर का, जब 69 शिक्षक भर्ती का मामला आया, पुलिस भर्ती का मामला आया, हमेशा हम लोगों ने इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा, आपके सम्मान को झुकने नहीं दिया। लेकिन अब इस देश में लड़ाई और खतरनाक हो गई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि 24 के बाद चुनाव ही बहुत मुश्किल होगा। अब जैसा कि जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, दुश्मन बड़ा तेज था, उसने कहा इनके पास वोट है, हमारे पास नोट है, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। जब बानेवर काशीराम साहब ने समाज को बिकना बंद करवा दिया कि भाई अपना वोट मत भेजो, वोट की रक्षा बहन बेटी करनी है, तो ये मशीन ले आए। अब आप मशीन से वोट दो किसी को चला जाएगा। फिर हमारे लोगों ने उसका विरोध किया, वीवीपैट लगवा दी, फिर इन्होंने उस पर साजिश करके कहा कि गिनती उसकी होगी जो दूसरे नंबर की पार्टी होगी, फिर हमारी बात कमजोर पड़ गई। लेकिन पिछले 3 महीने से हमने एक जबरदस्त आंदोलन दिल्ली में और पूरे देश में चला रखा है, और उस आंदोलन के जरिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, जो बाबा साहब अम्बेडकर के चाचा बच्चों कुर्बानी से मिली वोट से चोरी बंद हो जाए, बिल्कुल भी चोरी ना हो। ठीक है, हमने ये भी कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ये कान खोल के सुन ले कि देश में जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, तब तक वोट की चोरी जो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों कुर्बानी से मिली उसकी चोरी नहीं होने देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा भाई समय कम है, हमने ये भी उनको कहा समय कम है तो वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वो मशीन में ना गिर के वो हमारे हाथ में दे दो, ढक्कन शायद हटाना उसका, वो बाहर आ जाएगी पर्ची, हम देख लेंगे जिसको वोट जिसको गई, उस पर्ची को हम ऐसे डाल देंगे जैसे हम बैलेट डालते थे। उसी पर्ची को हमने कहा कि भाई जब 5 साल बाद 5 साल तक हम चुनाव का इंतजार करते हैं, 2 दिन और इंतजार कर लेंगे, तो आप हमारी पर्ची को गिन देना, आपको मशीन की जरूरत ही नहीं, हम आपका कुछ भी खर्च नहीं करवाना चाहते, आप हमारी पर्ची गिन देना, हमें पता लग जाए कि जिसको वोट दिया उसको गया नहीं गया। तो हम तो सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपको भी गांव स्तर पे अपनी लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत कब होगी? जब आप क्या करोगे? किसे निशान क्या हमारा? हाँ, निशान पता नहीं तो फिर कर दोगे वोट? आप बताओ हमारा चुनाव निशान क्या है? हाँ, अब आप मेरी बात को सुनो और समझो। देखो, एक बात और समझने की, ये सब लोगों के लिए, आपके लिए भी है। अगर बाबा साहब ये सोचते कि वन मैन सिस्टम होना चाहिए तो एक आदमी खड़ा हुआ करता देश में, उसी को सब लोग वोट के करते, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता। लेकिन बाबा साहब ने कहा भाई नहीं, हर क्षेत्र में अच्छे बुरे 17 के लोग हैं, तो उन्होंने इतनी इसको बांटा क्षेत्र को कि हर जगह से बहुत अच्छा आदमी चुन के आना चाहिए, जो गरीबों का हमदर्द हो, उनकी आवाज उठाए, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम करें, उनके हकों के लिए लड़े। देखो, जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, एमएलए एमपी साहब ने 3-3 बार जिता दिया यहां से, पिछली बार भी जिता था ना,
ग्रेसर को जिता नहीं जीता, गठबंधन को जिता नहीं जीता। अब हुआ क्या कि जब आपको आपको उनको जरूरत थी तो वो आपके खिलाफ खड़े थे, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने अपने क्षेत्र से जिम्मेदार व्यक्ति को चुनकर भेजना। देखो, अगर आपका नेता मन ईमानदार होता तो एम्स जैसा हॉस्पिटल यहां भी बनता, गरीबों को मुफ्त में अच्छे से अच्छा इलाज मिलता, उनकी जान नहीं जाती। अगर आपका नेता अच्छा होता तो इंडस्ट्रियल एरिया जैसे हरिद्वार में लगा तो यहां भी बनता, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलता, उनको आत्महत्या नहीं करनी पड़ती, उनके माँ बाप उनको गालियां नहीं देते कि पढ़ा लिखा दिया अब भी रोजगार नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर आपका नेता अच्छा होता तो अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज बहन बेटियों के लिए यहां बनते, जिसमें हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बनती, वकील जज बनती। अगर आपका नेता अच्छा होता तो आपके क्षेत्र में रोजगार के साधन पैदा होते, क्योंकि हम लाखों करोड़ रुपए का माल चाइना से खरीदते हैं, बांग्लादेश से खरीदते हैं और देशों से खरीदते हैं। अगर वही माल हमारे यहाँ तैयार होने लग जाए, गांव में कच्चा माल तैयार होने लग जाए तो कितनी बहन बेटियों को रोजगार मिल सकता। आज हमें घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है 200-250-300 रुपए की। अगर 500-700 रुपए का रोजगार घरों में मिलने लग जाए तो हमारी बहनों के हाथों में जो लकीरें पड़ गई हैं वो भी कम होंगी और उनका जीवन भी खुशहाल होगा। अब आप महसूस करो, भारत में समान काम समान वेतन नहीं है। उसी काम को एक सरकारी कर्मचारी करेगा उतने ही समय में उसको 1200-1500 रुपए 2000 रुपए मिलेंगे, और उसी काम को अगर मजदूर करेगा उतने ही समय तो उसको 300-400 रुपए मिलेगा। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अब इधर खड़े हो जाओ, मुझे बात कर रहे तो पहले मेरी बात पूरी हो जाने दो। अच्छा अभी थोड़ा जल्दी पूरी बात हो जान दो, पूरी बात जल्दी जल्दी थोड़ा जाओ। ठीक है ठीक, सुनो उसके उसे महसूस हुआ कि मेरी बात हुई इसलिए उसको लगा भी थोड़ा जल्दी बीच में हट जाओ सब लोग जल्दी। छोड़ो आप मत बोला, देखो वो भी मेरा भाई है, उसको भी लग रहा है कि मेरा बड़ा भाई है, मैं भी दिल की बात करूं, मगर मेरी बात पर गौर करो। देखो मनरेगा में सरकार ने कहा 100 दिन रोजगार देंगे, ठीक है जी, प्रधानमंत्री जी यहां बैठे भाई, 25 दिन मुश्किल से मिल रहा और उसके पैसे भी नहीं आ रहे। ठीक है, आप ये बताओ खर्चा तो 365 दिन है तो भाई 25 दिन रोजगार क्यों, 100 दिन रोजगार जो 365 दिन रोजगार मिलना चाहिए, तब जाके लोगों के घरों में जो सुख शांति रोटी रोजी की व्यवस्था होगी। और फिर नेताओं को 50,000 रूपये पेंशन और महिलाओं को 500 रूपये पेंशन क्यों भाई, बुजुर्गों को 500 रूपये पेंशन ऐसा क्यों भाई? इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि ये गरीब है, इनको तो रुखे सुखे खाना है, तो हम रुखे सुखे खाने के लिए पैदा नहीं हुए। हमें हर व्यक्ति का ख्याल रखना है, मजदूर का भी किसान का भी, किसान को फसल के दाम दिलाने हैं। और जो जुल्म जाते हैं अत्याचार सरकार के सारे में, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, ईसाइयों के साथ, बौद्धिस्टों के साथ जो हो रहा है, जैन के साथ जो हो रहा है, न्याय पसंद लोगों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, इसको भी हमें रोकना है। लेकिन रोकने का तरीका एक ही है कि लोकतंत्र में जब हम मजबूत होंगे तभी हमारी सुनवाई होगी, तभी डीएमएसएसपी हमारी सुनेगा, तभी अधिकारी कर्मचारी हमारे सुनेंगे। और ये वोट आपके हाथ में है, तो आपका चुनाव निशान है केतली, इस बार जब आप वोट डालने जाओ तो चुनाव निशान केतली पे वोट डाल के चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करो और आपकी तरफ उठने वाली हर रात को वोट की चोट से जवाब दो। दूसरी बात, अब एक तरीका तो ये आप कहोगे हम वोट दे देंगे, तो खाली वोट देने से नहीं जीती जाती लड़ाई। जब तक आप खुद चंद्रशेखर आजाद नहीं बनोगे, जो मेरे नौजवान भाई बैठे, बताओ समाज को गरीबी में धसा कर रखना है या गरीबी की बेड़ियां काटनी, बताओ हटानी, तो फिर आपको खुद बनना पड़ेगा चंद्रशेखर आजाद। सबके आगे हाथ जोड़ जोड़ के सबको पढ़ना पड़ेगा तैयार, पहले करना पड़ेगा अपना गांव तैयार, उसके बाद गांव से बाहर निकल के दूसरे गांव करना पड़ेगा तैयार, तीसरे गांव करना पड़ेगा तैयार, क्योंकि ना तो साधन ना संसाधन उनके, मीडिया भी सारी उनकी, पैसा भी सारा उनपे, सरकार भी उनकी, पुलिस भी उनकी, एजेंसियां भी उनकी, प्रशासन भी उनका, हमारे पास क्या? हम पे सिर्फ एक ही चीज है कि हमारा शरीर ही शरीर का प्रयोग करके अपने मुंह से जाके गांव गांव जाके अपनी बात कहके समाज को जोड़ के बहुजन समाज भाईचारा पैदा करके एकजुट करके इस लड़ाई को कामयाब करें। अब आखिरी बात मेरी ये सुनो, इधर देखो, हाँ कोई भी लड़ाई कोई अकेला व्यक्ति नहीं जीत सकता है। अगर आपको कोई लड़ाई लड़नी है तो वो सामूहिक लड़ाई मिलकर जीतनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, माननीय काशीराम साहब कहते थे जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा, इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस लड़ाई में मदद करें, चाहे आप 1 रुपए की मदद करें अपनी मेहनत की कमाई से।
लेकिन इस लड़ाई में मदद जरूर करें जिससे कि इस लड़ाई को लड़ने का हौसला हम सब लोगों में बढ़े, क्योंकि अगर ये अकेले मेरी लड़ाई होती तो मैं तो कुछ भी बेच खोज के इस लड़ाई को लड़ लेता, लेकिन ये हमारी सबकी लड़ाई है और जिनसे मुकाबला बहुत पैसे वाले लोग हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि अपनी मेहनत कमाई से इस लड़ाई में मदद करें जिससे कि लड़ाई आगे बढ़े और हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ा के जीत के आपके दुख सुख आपकी परेशानियों को दूर करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक आखिरी बात मदद के साथ साथ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।